हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वाड्री में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना पैन कार्ड फ्री में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री में अप्लाई करेंगे और सिर्फ एक मिनट के अंदर ही अपना पैन कार्ड आप पा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसका प्रोसेस कैसा है मैं आपको बता देता हूँ और किस तरह का पाएंगे मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड्स, अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि किसी का भी नहीं है कि। लेकिन मैं ना अप्लाई करके इससे 5-6 पैन कार्ड ऑलरेडी ले लिया, ये अभी चल रहा है, कब बंद हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी फ्री है, आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको 31 मार्च तक शायद रहेगा, क्योंकि 31 मार्च तक अगर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया तो आपका आधार और पैन कार्ड डिसेबल हो सकता है और आपको जरिमाना 10,000 देना पड़ सकता है। तो उससे पहले आप लोग पैन कार्ड अप्लाई करके अपना आधार के साथ लिंक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बताने वाला हूँ पूरा फ्री में आप लोग कैसे पैन कार्ड पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ये पैन कार्ड पा सकते हैं। चलिए कैसे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ई फिलिंग साइट को सर्च करना होगा, जो कि गवर्नमेंट का इनकम टैक्स साइट है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए आगे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। इंटरनेट स्लो है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपके सामने एक पेज साइट नजर आ जाएगा, इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in। तो आपको सिंपली उस साइट पर ही क्लिक करना होगा। देख लीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सिर्फ कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ देख लीजिए कंटिन्यू का, तो सिंपली इसके ऊपर ही क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका पर्दा उठ गया ये। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहला देखिए आपको इंस्टेंट पान प्रो आधार न्यू है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना होगा। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आ जाएगा। देख लीजिए आ रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरनेट स्लो है फ्रेंड, एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह का ऑप्शन नजर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे दो ऑप्शन आपको मिल जाए, एक गेट न्यू पैन, यहाँ पे देखिए गेट न्यू पैन एंड चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन। ठीक है, आपको ये दो ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको क्या करना होगा, गेट न्यू पैन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। देखिए गेट न्यू पैन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, सॉरी, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालना होगा आपका, जो कि पैन नंबर में आप अलॉटमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये जो कैप्चा लिखा है इसको यहाँ पे फिल कर दीजिए और यहाँ पे कंफर्म कीजिए और सबमिट पे कीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग पेज खुल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अप्लाई करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि अपना आधार कार्ड नंबर डाल के मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा दूँ, पर यहाँ पे ये बोल रहा है तो आधार नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी लिंक पैन कार्ड, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक है इसलिए ये आगे का प्रोसेस नहीं करना है। अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका OTP डालना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मार्कअप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे OTP डाल दीजिए। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ से प्रोसेस जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये OTP वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में OTP गया होगा, OTP डाल दीजिए और फिर यहाँ पे वैलिडेट आधार डिटेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने का होगा, आपको सिर्फ अपना आधार का डिटेल वो शो करेगा, आपको सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ता है आपको, वहाँ पे वैसे ही यहाँ जैसा प्रोसीड का ऑप्शन रहता है वहाँ पे वैसे ही आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कंफर्म कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। अगर आपका लिंक है आधार के साथ, अगर लिंक नहीं है तो ईमेल सिर्फ डाल दीजिए और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल सिर्फ डाल दीजिए और जैसे ही ईमेल डालेंगे फ्रेंड्स फिर सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड मिल जाएगा। ठीक है,
पैन कार्ड मिलेगा कैसे फ्रेंड्स, आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद सिर्फ एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट वेट करके आप देखिए अपने मोबाइल नंबर पे एसएमएस चला होगा, आपका एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पहुंच जाएगा। अब आप कैसे उस पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रोसेस बताने। आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए होम का ऑप्शन आपको एक मिल जा रहे हैं यहाँ पे, तो होम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही ऑप्शन पे आ जाएंगे और फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे आपके सामने इंस्टेंट पैन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए चेक स्टेटस एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स ये थोड़ा मार्कअप नहीं है, हाँ यहाँ देखिए चेक स्टेटस एंड डाउनलोड, तो सिंपली आप इसके ऊपर ही क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नजर आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना और यहाँ पे कैप्चा डालना है और ओटीपी यहाँ पे वेरिफाई करना है और यहाँ पे फ्यू एंड स्टार्टअप पैन पे डालना है। फ्रेंड्स मैं ना ऑलरेडी यहाँ से एक पैन की कल ही डाउनलोड किया है और आज 2 तारीख को वीडियो बनाया है, ठीक है। ये इंस्टेंट पैन का ऑप्शन है फ्रेंड्स, पूरा बिल्कुल फ्री में ही, मुफ्त में ही आप लोग पैन कार्ड कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए आप। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के